दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आज फरीदाबाद NIT 86 विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता यशवीर डागर कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से होली मना रहे हैं। देखिए हजारों कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। रॉयल वाटिका 60 फीट रोड पर ये प्रोग्राम है और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। आइए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर यशवीर डागर जिंदाबाद। आइए अंदर चलते हैं, काफ़ी लोग आपको दिखाई देंगे। भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं और आइए देखते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ होली मना रहे हैं यशवीर डागर। काफ़ी कार्यकर्ता आ चुके हैं, आम पब्लिक भी यहां पर है और आम पब्लिक का भी यहां पर स्वागत है। खाने पीने की भी व्यवस्था है और इधर मंच लगा है और यहां पर पब्लिक बैठी है। सबको दिखाओ भाई, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देखिए हजारों लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा होली मिलन समारोह है जो यशवीर डागर कर रहे हैं। आज यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए दिखाते हैं यशवीर डागर किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाइए, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं यशवीर डागर का, फूल माला पहना कर। वरिष्ठ भाजपा नेता है NIT 86 विधानसभा के, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, आप लोग देख रहे हैं, मधुर गीत गाया जा रहा है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। आप लोग देख रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं वो मिल रहे हैं यशवीर डागर जी से। हजारों कार्यकर्ता आपको यहाँ पर आज दिखाई पड़ेंगे। इतनी रौनक किसी भी जगह नहीं है जितनी रौनक यशवीर डागर के प्रोग्राम में। देखो कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं प्यार से। हम बात कर लें भाई, एक मिनट। नेताजी होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया आपने। ये सर्व समाज का कार्यक्रम है। मैंने त्योहार के अवसर पर राजनीति पक्ष विपक्ष सबसे दूर सर्व समाज के सब धर्मों के सब जातियों के सब लोगों को मैंने बुलाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सारे लोग यहाँ पर आए हैं, आए हुए हैं भाजपा के। हाँ कार्यकर्ताओं का थे सारा माया, सब पब्लिक भी यहाँ दिखा। कार्यकर्ता मेरे अपने चाहने वाले, मेरे भाई, मेरे समाज के लोग, मेरी विधानसभा के लोग, जो सब मेरे से जुड़े हुए हैं। सब होली पर क्या मैसेज दे? मैं होली पे कोई बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता। एक ऐसा त्योहार है जब हम साल भर साथ रह के काम करते हैं तो कुछ बातों में मन भेद हो जाते हैं। मेरा मानना है कि मतभेद तो बेशक हो जाएं, मत मन भेद ना हो। कार्यकर्ता एक दूसरे से प्यार करते रहे, एक दूसरे के मान सम्मान सम्मान भावना से आगे बढ़ते रहे। तो देखिए बहुत सारे लोग, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, यशवीर डागर जी से मिल अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और ये ऐसा त्यौहार जो भाईचारे का त्यौहार है, इसमें सब अपने एक दूसरे की इच्छा मिटाकर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार और उल्लास से एक दूसरे को उसका स्वागत करते हैं। मेलजोल करते हैं, बढ़िया भैया होंगे। NIT के अगले विधायक यशवीर भैया होंगे, हम सब ने माना है और सब लोगों का पूरा समर्थन है कि यशवीर भैया विधायक बनेंगे अगली बार। अगले विधायक यशवीर भाई होंगे हमारे। कह रहे यशवीर डागर ही अगले विधायक होंगे और सच में यशवीर डागर जी ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर दिया है एक छत के नीचे। आपने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था कि रैली बुलाई थी? आज बड़ी रैली हो गई। ये मेरी विधानसभा के सभी धर्मों के सभी जातियों के सब कोनों से पूरे के पूरे विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे यहाँ के प्रमुख लोग आज इस पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं और ये ऐसा इस तरह के कार्यक्रम हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। अधिकतर डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं जहाँ कई
ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, नाचने गाने वालों को बुलाया जाता है, यहाँ आपने कुछ नहीं बुलाया है फिर भी हजारों लोग आ गए, कैसे? कोई नाचने गाने नहीं, सब एक दूसरे को चाहने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ हम जब पूरे साल भर रहते हैं काम करते हैं तो छोटी मोटी बातें हो जाती होंगी। होली के अवसर पर वो मन भेद ना बन जाए, मतभेद कभी भी मन भेद ना बन जाए, एक दूसरे का प्यार बना रहे, समाज में शांति बनी रहे, समाज में समृद्धि हो, ये होली का अवसर इस तरह का हमेशा से हमारी परंपरा चली आई है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। डागर जी, अक्सर लोग कहते हैं कि पिछली बार आपको टिकट मिली होती सीट भाजपा के हाथों में जाती, आपकी बार आपने लोगों को इकट्ठा कर दिया है तो यही चर्चा है कि टिकट भी हसबीर को मिलेगी और सीट भी भाजपा के खाते में जाएगी, तो मानकर चलें आप इसी तरह की एक्टिविटी आगे भी दिखाते रहेंगे? देखो, गतिविधि तो हम लोग सक्रिय हैं, जनता के आदमी हैं, जनता के बीच में रहते हैं और टिकट तो जनता देती है। सही बात, टिकट तो जनता देती है, आप पिछले इतिहास उठा के देख लो 10 बार का, जैसे जनता चाहती है टिकट दे देती है। तो आप लोग देंगे भैया टिकट? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, एक साथ हैं। मेरा तो ये संदेश है कि जो नाम के लिए काम करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है जी, नाम जो नाम के लिए काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, और ये हमारे यशवी डागर जी का नाम तो है ही, बस अब इन्हें काम करके दिखाना है, ठीक है जी। यशवी डागर जिंदाबाद, यशवी डागर जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए धूमधाम से होली मनाई जा रही है, यशवी डागर जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है, हालांकि होली मिलन है और तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं। देखिए राम राम, राम राम भाई, कहां से आए हैं भैया? होली मिलन में आए हैं, कहना चाहेंगे? बस कैसा लगा, बढ़िया लगा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा। बहुत बढ़िया, होने भी चाहिए ऐसे प्रोग्राम, बिल्कुल होने चाहिए। चलो ठीक है, आने से कम लोग मिलजुल तो रहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको भीड़ भीड़ दिखाई पड़ रही है, हालांकि कोई रैली नहीं है, नहीं तो रैलियों में बसों में भर भर के लोगों को लाया जाता है। यहाँ पर एक मैसेज दिया गया था कि आप लोग आइए, हम आपके साथ होली मनाना चाहते हैं, यशवी डागर ने ये मैसेज दिया था और इसी मैसेज पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए। आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कहना चाहेंगे होली मिलन प्रोग्राम में आए? होली मिलन समारोह में हमारी NIT पूरी 86 की विधानसभा के लोग आज एकत्रित हुए हैं यशवी डागर जी के होली मिलन समारोह पर, और आपके जो मीडिया जो हमारे जो भाई हैं आप सब सभी लोगों का धन्यवाद और हार्दिक स्वागत होली मिलन समारोह में सबका। और हम NIT 86 में इस बार भाई यशवी डागर जी को MLA के रूप में देखना चाहते हैं, जनता का ये विश्वास और प्रेम है, स्नेह है उनका साथ। MLA बनाएंगे? हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे, MLA पूरी NIT 86 इनको MLA के रूप में देखना चाहती है। पिछली बार किसी कारणवश रह गए, टिकट ना मिल पाने की वजह से रह गए थे, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी से BJP से मैं चुना हूँ, और हमारी पूरी जो BJP के जो कार्यकर्ता हैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ यशवी डागर जी के साथ हैं, तन मन और धन से हम NIT 86 में इस बार BJP का झंडा लहराएंगे और भाई यशवी डागर को विधायक के रूप में MLA बनाएंगे। चलो ठीक है जी, आप लोगों को सही लग रहा है प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है यशवी डागर 86 का जो है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इस बार भी इनका हवा थी जो है, लोग कह रहे थे इस बार तो इतनी हवा थी, वो तो उन्होंने वोट मतलब पूरा वोट पूरा बहुमत था, मगर कारण क्या था कि उन्होंने इनकी टिकट कटवा दी किसी राजनीतिक तरीके से, बाकी इनकी जो है आपके तो पूरा क्लियर है। पिछली बार यशवी डागर जी को टिकट ना मिलना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और अगर टिकट मिलता तो बहुत अधिक वोटों से जीतते, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि NIT 86 में यशवी डागर जी ने बहुत मेहनत कर रखी है, लोगों की सेवा दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं, दुख सुख में हमेशा लोगों के काम आते हैं, उनकी हाजिरी हमेशा हम लोगों के बीच में रहती है। यशवी डागर NIT 86 में सबसे अच्छा और उभरता हुआ नेता है, तो हम मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी से गुजारिश करेंगे इस बार उनको जरूर टिकट दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम अमरपाल गहलोत है, मैं भारतीय जनता पार्टी वाइस प्रेसिडेंट फरीदाबाद हूँ। मेरा ये मानना है आज हमारे तेजस्वी यशस्वी यशवी डागर जी ने अपनी जनता NIT 86 विधानसभा की जनता से होली समारोह के उपलक्ष में रूबरू होने का जो निर्णय किया, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, और मैं आशा और विनती करता हूँ आने वाले समय के अंदर हमारे भाई यशवी डागर जी की टिकट भी होगी और जीत भी पक्की होगी, और मैं
एनआईटी विधानसभा 86 की जनता से भी अपील करूंगा, कम से कम हमारे युवा नेता जसवीर डागर जी, जिन्होंने विकास कार्यों में ना विधायक होते हुए भी विकास तो कराना चाहते हैं लेकिन जनता ने मौका नहीं दिया, जनता ने मौका नहीं दिया, लेकिन वो विधायक नहीं है, लेकिन उनकी नीति क्या है अपनी जनता के लिए 86 एनआईटी विधानसभा को वो एक सड़क बनाना चाहते हैं और अपनी जनता को प्यार देना चाहते हैं, जो प्यार के कारण आज जितनी जनता यहाँ पर आई हुई है ये सिर्फ यशवी डागर जी का प्यार है, जिन्होंने जनता से प्यार किया है। और मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ और पार्टी का निर्णय भी ये होगा, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय मान्य और तेजस्वी यशस्वी और बहुत ही कर्मठ युवा नेता भाई यशवी डागर जी को टिकट हो और वो जीत कर आए और जनता से अपील है उनको जिता कर लाए और विकास के प्रतिनिधि को विकास कार्य में लगाए, वो विकास करना चाहते हैं लेकिन जनता नहीं चाहती विकास हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाई यशवी डागर जी विकास करना चाहते हैं लेकिन यहाँ की जो जनता है वो एक प्रति कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक काम किया है ये होली समारोह के उपलक्ष्य पर सम्मेलन जो किया है होली मिलन सम्मेलन ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है और मैं जानता हूँ अगली बार हमारे यशवी डागर जी विधायक होंगे। अक्सर देखने में आता है छोटी मोटी रैली में लोग बसों में भर भर के लोगों को ले आते हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लोग अपने आप से आए हैं। नहीं, हाँ, ये एक ऐतिहासिक चीज है, यशवीर डागर जी का जो प्यार है उन्होंने देखा, ना तो बस की जरूरत है किसी को, ना गाड़ी की जरूरत है, वो स्वयं अपनी कन्वेंस से और अपने दिल से अपने प्यार से भाई यशवीर डागर जी के लिए आए हैं। मैं जनता का अपील धन्यवाद करता हूँ जो इतना प्यार हमारे यशवीर डागर जी को देते हैं, ये उनके कार्य की छवि है जिस तरीका से जो कि आज विधानसभा की जनता यहाँ इकट्ठी। ठीक है दोस्तों, देखिए एक तरफ से सपोर्ट मिल रहा है यशवीर डागर का, हर कोई यही कह रहा है ये उनके प्रति जनता का प्यार है जो इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यशवीर डागर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अगला विधायक बनाने की बातें कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा नीचे आके, देखिए यशवीर डागर कुछ बोल रहे हैं। कुर्सी कम ना पड़ जाए, टेंट छोटा ना पड़ जाए, पानी खत्म ना हो जाए, जीवन में बहुत कार्यक्रम करे हैं हमने, बहुत रेगुलर रहते हैं, आज कोई पराया नहीं है, सब हर कार्यकर्ता हर आदमी बुजुर्ग माताएं भाई अपना कार्यक्रम अपने पैसे खर्च करके अपना टाइम खर्च करके हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, इसका कोई मेरे पास मैं धन्यवाद अदा करूँ इसका। जो मन की भावना करुणा श्रद्धा भरा प्यार जो आप लोगों का मेरे लिए है उस धन्यवाद जैसे छोटे शब्दों से मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकता, मैं पूरी पूरे अपने मन धन वचन धन से एक बात कहता हूँ कि जो मेरा कार्यकर्ता है मेरा साथी है मेरा अब तक का जो मेरे को जानते हैं मेरे साथ रहते हैं सबको इस बात का पता होगा, मैं अपने कार्यकर्ता के लिए अपने आदमी के लिए मेरे उससे बड़ी मेरे जीवन में कोई चीज नहीं होती है, जान भी तैयार रहती है। हम चाहे चुनाव जीते या चुनाव नहीं जीते लेकिन ये ईमानदारी की बात है कि एनआईटी के जनता के मन में विधायक हम ही है, कोई भूल नहीं है, मेरे को इतना प्यार इतना सम्मान आप लोगों ने पिछले 8 साल में दिया है, कोई भी आदमी कोई भी कार्यकर्ता कोई भी बुजुर्ग कोई भी साथी मेरी कभी किसी बात को नहीं करा, बहुत मान सम्मान बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और क्योंकि हम लोग एक मैं बोल ही देता हूँ बोल दूँ हम लोग कमा के खाने वाले आदमी, हम लोग काम करके मेहनत करके बहुत छोटे दिन देखे हमने, बहुत गरीबी देखी है, गरीबी क्या चीज होती है हम जानते, हमने पूरी ईमानदारी के साथ में बहुत मेहनत करी है जीवन में और हम जानते हैं एक छोटा आदमी जब बड़ा बनता है वो जानता है कमिटमेंट किस चीज को बोलते हैं, अपनी बात की कीमत क्या होती है, अपने किसी आदमी के लिए अपने किसी कार्यकर्ता के लिए
जो भी बात मैंने, मेरी हालांकि कोई लंबी चौड़ी हैसियत नहीं रही है, लेकिन अगर कोई बात है, अगर मेरे किसी कार्यकर्ता से कोई गलती भी हो गई है, मैं कभी अपने आदमी का साथ नहीं छोड़ता हूँ। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी के साथ छल प्रपंच नहीं किया। और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति जो क्षेत्र है, राजनीति जो काम है, ये बहुत नीच है, बिल्कुल कह रहा हूँ श्रद्धा के साथ। लेकिन क्या इसके बगैर गुजारा नहीं है? छल कपट नहीं आता हम लोगों को, सीधे सीधे बोलते हैं, सीधे सीधे चलते हैं, सीधे सीधे जीते हैं भाई हम। और मौका दिया तो अपने जो मेरे साथी, जिन्होंने मेरा साथ दिया, एक एक का, एक एक का एहसान उतारूंगा, एक एक कर देता हूँ। होली का त्योहार है, लेकिन हम राजनीति करते हैं तो रुका नहीं जाता देख के ना माइक को। तो मन की बात कह दी, मैं माफी चाहता हूँ। और राजनीतिक आदमी कोई प्रोग्राम करे राजनीति की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। और आप लोगों ने बहुत समय दिया, बहुत प्यार दिया, हमेशा जब भी मैं याद करता हूँ, जब भी मैं बुलाता हूँ, मेरे लिए सब लोग आते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मेरा सबसे पहले तो त्यौहार का दिन है, अच्छे से मने, सद्भावना बने एक दूसरे के प्रति हम लोगों के मन में। पूरे साल जब हम काम करते हैं समाज जीवन में, तो बहुत सारी एक दूसरे के लिए मन में बातें आ जाती हैं, कड़वी बातें भी हो जाती हैं, मतभेद हो जाते हैं किसी विषय के ऊपर। ये होली का त्यौहार एक परंपरा पुराने समय से चली आई है कि जब हम होली के अवसर पर उन चीज़ों को भुला देते हैं, मतभेद कभी मन के भेद ना बन जाए, इसलिए इस परंपरा पुराने समय से हमारी नहीं है और आगे भी चलती रहेगी। हमारे समाज में समृद्धि आए, हम सबको समृद्धि दे भगवान, और एक दूसरे के सभी दुख सुख में हम लोग ऐसी तरह आगे शामिल होते रहे, एक दूसरे की चिंता करते रहे, एक दूसरे का ख्याल करते रहे। इन्हीं बातों के साथ में सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि होली का इस प्रसाद लेकर के जाएं सब लोग त्योहार में। ये भैया एक वो कहाँ है रसिया वाला, एक आप मेरे परिवार के, मेरी माता इकट्ठे हुए हैं, भैया इनका अच्छे से एक रसिया सुनाओ और धीरे धीरे उधर उधर भोजन का भी उसको खोल दो, ताकि एक साथ सब लोग दो बार में बचता जो बालक उठा दे वो खा लेंगे पहले फ्री। देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हजारों लोग हैं, ऐसा लग रहा है किसी बड़े नेता की, मुख्यमंत्री की रैली हो गई है एनआईटी विधानसभा में, इतने लोग आए। कार्यक्रम आपका अपना है, इसकी मर्यादा बनी रहेगी। ये भाई रसिया सुनाएगा, दो भारत माता की जय। जवाहर कॉलोनी की सरदारी आई है इनका, देख रहे हैं जवाहर कॉलोनी की सरदारी आई है, फूल माला पहना कर स्वागत कर रही है एसवी डागर का। देखिए कितना जोश है, कितना उत्साह। अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, अभी तो एक डेढ़ साल है विधानसभा चुनाव में, लेकिन अभी से इतना जोश है कार्यकर्ताओं में, इतना उत्साह है स्वागत करने के लिए। देखिए मारा मारी हो रही है, काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में एसवी डागर का स्वागत करने के लिए। देखिए फूल माला पहनाई जा रही है और ये साफा बांधा जाएगा, वो भी आप लाइव देख पाएंगे फरीदाबाद न्यूज़ पर। तो काफ़ी जोश है कार्यकर्ताओं में, काफ़ी उत्साह है। देखिए किस तरह से स्वागत किया गया, आप लोगों ने देखा होगा, पूरा जोश है, पूरा उत्साह है जनता में स्वागत करने के लिए, एसवी डागर से मिलने के लिए। विधायक तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है एनआईटी 86 के यही विधायक हों, और पब्लिक कह रही है अगला विधायक इन्हीं को बनाएंगे। और जनता अगर इसी तरह से सपोर्ट देती रही तो ऐसा लगता है सच में एसवी डागर ही एनआईटी 86 के अगले विधायक बनेंगे।
बाकी देखते हैं, अभी चुनाव में 1.5 साल बच रहे हैं, भाजपा किसको टिकट देती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर टिकट मिली तो शायद सीट निकाल ले जाएं यशवी डागर। बस इतना बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।